6 अक्टूबर 1973 के दिन अरब देशों ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल के बचाव में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सामने आए। इन्होंने इसराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद देने की उस समय घोषणा की। अमेरिका के इस फैसले से नाराज होकर ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में भारी कटौती कर दी। ऑयल प्रोडक्शन कम कर अमेरिका को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग सऊदी के किंग फैसल के नेतृत्व में हुई। नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो गई। तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल से $25 प्रति बैरल हो गई, यानी तेल की कीमतों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर पड़ा। वहां आर्थिक मंदी की वजह से महंगाई आसमान छूने लगी। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, पुरानी घटना है। ठीक 50 साल बाद एक बार फिर अक्टूबर के महीने में इसराइल पर हमला हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसराइल हमास जंग की वजह से एक बार फिर दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसराइल और हमास के बीच में अभी जंग शुरू ही हुई है, ऐसे में सटीक बता पाना मुश्किल है कि इसका तेल के बाजार पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि इसराइल और ईरान के एक्शन पर काफी सारी चीजें निर्भर करेंगी। इसके बावजूद तेल के बाजार पर जंग का क्या असर पड़ेगा, इसे 8 सिनेरियो के जरिए समझते हैं। पहला, यह जंग अक्टूबर 1973 की तरह नहीं है। तब अरब देशों ने एकजुट होकर इसराइल पर हमला किया था। इस बार मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब और बाकी अरब देशों ने अभी तक खुद को इस जंग से किनारे रखा। अभी तक अपरोक्ष रूप से मदद पहुंचा रहे हों ये अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे जंग में नहीं कूदे हैं। ऐसे में दोबारा 1973 जैसे हालात होने की संभावना कम है। दूसरा, अभी के तेल बाजार में अक्टूबर 1973 जैसी स्थिति नहीं है। उस समय तेल की मांग बढ़ रही थी, लेकिन किसी देश के पास रिजर्व तेल उतना नहीं था। आज के समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से तेल की मांग तब की तुलना में घटी है। हालांकि अब भी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पास तेल उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता है। कई बार इसका इस्तेमाल वो तेल कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। इस जंग की वजह से ये दोनों देश ऐसा कोई बड़ा फैसला लेते फिलहाल नहीं लगते। तीसरा, आज के समय में ओपेक देश काफ़ी ज़्यादा तेल की कीमत बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। सिर्फ कुछ डॉलर तक कीमत बढ़ाने के लिए ये देश सहमत है। सऊदी अरब तेल की कीमतों को 100% से अधिक बढ़ाकर $200 प्रति बैरल तक ले जाने की बजाय अभी कीमत $85 से $100 प्रति बैरल तक रखने के पक्ष में है। वहीं अक्टूबर 1973 में तेल उत्पादन घटाकर ओपेक देशों ने पेट्रोलियम कीमतों में लगभग 70% की बढ़ोतरी की थी। चौथा, इसराइल हमास जंग का असर 2023 और 2024 में तेल बाजारों पर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा असर तब देखने को मिलेगा जब इस जंग में ईरान की सीधे सीधे एंट्री होगी। 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी की तेल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर हमला कर दिया था। इसमें ईरान का हाथ बताया गया था। इसका असर दुनिया के तेल सप्लाई चेन पर पड़ा था। एक बार फिर अगर इसराइल किसी तरह से खुद पर हुए हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराता है, तो वो फिर दूसरे संगठनों के जरिए ऑयल फैसिलिटीज पर हमले करवा मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। पांचवा, रूस यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिकी पाबंदी के बावजूद ईरान ने दुनिया भर में तेल सप्लाई की। दुनिया में तेल की कीमतें ज्यादा न बढ़ें, इसके लिए अमेरिका ने जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि ईरान का तेल उत्पादन लगभग 7 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ा है। अब एक बार फिर अमेरिका ईरान के तेल खरीदने बेचने पर रोक लगाता है तो दुनिया में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। छठा, इसराइल हमास जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में अगर तेल संकट होता है तो इससे रूस को लाभ होगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लागू करता है तो इसका फायदा रूस को मिलेगा। रूस एक बार फिर से ओपेक देशों के साथ मिलकर दुनिया में तेल की कीमत बढ़ाकर लाभ कमाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका के ईरानी तेल निर्यात पर एक्शन नहीं लेने की एक वजह यह है कि इससे रूस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मतलब साफ है कि इस जंग की वजह से ईरान पर एक्शन लेते ही तेल की कीमत बढ़ना तय है। सातवां, एक और सिनेरियो समझते हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच अमेरिका के जरिए एक बड़ी डील होने वाली थी। माना जा रहा था कि इस डील के बाद सऊदी अरब इसराइल को देश के तौर पर मान्यता देने वाले थे। इससे पहले ही हमास ने हमला कर दिया है। भले ही सऊदी अरब हमास से नाराज है, लेकिन सऊदी के लोग अभी भी 1973 की तरह फिलिस्तीन की तरफ झुकाव वाले हैं। ऐसे में घरेलू राजनीति की वजह से सऊदी कोई एक्शन लेता है तो तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। इससे तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 के पार भी जा सकती हैं। आठवां सिनेरियो, 1973 जैसे हालात इसलिए भी नहीं बनेंगे क्योंकि अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व तेल है। अमेरिका अपने रिजर्व तेल को बाजार में पंप करना शुरू कर देगा। हालांकि इसके बावजूद ईरान के किसी फैसले से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसकी एक वजह यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका के पास रिजर्व तेल भंडार 40 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। फिर भी अमेरिका के पास ऐसे किसी संकट से निपटने के लिए पर्याप्त तेल है। तो तेल संकट नहीं होगा, लेकिन यह युद्ध अगर बड़ा होता है और इसमें दूसरी ताकतें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, उदाहरण के लिए मैंने इसी एक्सप्लेनर में आपको बताया कि ईरान सीधे सीधे परोक्ष रूप से युद्ध में कूद पड़ता है, अमेरिका का स्टैंड क्या होता है, रशिया का स्टैंड क्या होता है, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं।
और हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ था वो फिलहाल शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी। यूक्रेन का सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ विजिट भी किया दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने जो सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। रशिया ने इसका विरोध भी किया, रूस कहता है कि हमारा अपना मामला है, आंतरिक मामला है। कुल मिलाकर फिलिस्तीन या गजा पट्टी पर जो हमला अब इसराइल कर रहा है, जवाबी हमला, इस सब के बीच में अगर दुनिया की और ताकतें कूदती हैं तो फिर ये बड़ा हो जाएगा मामला, ये लड़ाई बड़ी हो जाएगी, फिर दोनों तरफ के पक्ष हैं। ऐसे में दुनिया के बड़े बड़े देश किसी भी युद्ध में कूदने से बचते हैं। तो फिलहाल हालात वैसे नहीं दिखते जैसे 50 साल पहले थे, तब अरब के सारे देश इकट्ठा हो गए थे और इसराइल पर हमला किया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर तो मार्केट पर पड़ता ही है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में तेल की इंडस्ट्री इससे कितनी प्रभावित होती है। फिलहाल इसकी आशंकाएं कम हैं, लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता।